सबसे पहला बात तो यह है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि पुत्री पवित्र किए को 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 दोल दो कुल दो धवल सुजह जान हो सबको। शाब्दिक अर्थ है मानस के अनुसार से कि पुत्री दोनों कुल को तारती है, अपने पिता के यहाँ भी और अपने पति के यहाँ भी, दोनों कुल को पवित्र करती है। लेकिन कुछ रस्म अनेक जगहों पर अलग अलग अनुसार से यह है कि वह तो लक्ष्मी ही है, तो उसमें दो चीजें हम लोग रखते हैं। सबसे पहला बात कि उस लड़की के द्वारा, कन्या के द्वारा चावल अपने घर में और रुपया छिटवाते हैं, मैंने अपने पीछे की ओर रखवा लेते हैं, तथा उसके लंबाई के बराबर रस्सी भी नाप करके घर में रख लेते हैं कि ताकि मेरी लक्ष्मी इसके बराबर जो है, चूंकि इसके आने से लक्ष्मी आई थी, ऐसा नहीं कि दूसरे के घर में जा रही है तो मेरा लक्ष्मी चला जाए। इसके लिए चावल पैसा तथा रस्सी भी उसके बराबर नाप के हम लोग रख लेते हैं ताकि लक्ष्मी हमारे घर में ही रहे। ये लोकाचार है जो शास्त्र से हट करके है। हमारे यहाँ बताया जाता है कि जब पुत्री घर से अगर विदाई के समय निकलती है तो उस समय भाई उसे कुछ दूरी पर जा करके उसे कुला कराता। हमारे यहाँ कुछ माँ बहने कहती है कि जब पुत्री घर पर उलट करके अधिकतर देखती है तो उसे नैहर में आने का अधिकतर भाव मिलता। सियान पे मैंने अपने गांव के सियान, जब हम दूसरे गांव में प्रवेश करने लगते हैं तो उस समय ही हम चावल या कंकड़ को अपने मस्तक से लगा करके और उसे पीछे की ओर बिक देते हैं और फिर मुड़ करके नहीं देखते हैं। वो एक टोटका हुआ कि ताकि ऐसे करने से मेरे ऊपर जो दुर्गुण शक्तियां हैं या हमारा जो वैवाहिक जीवन है उसमें किसी भी माँ बहनों का अगर किसी तरह से दूर नजर है, जो दूषित नजर है, वह मेरे साथ न आवे, मेरे ही गांव के पीछे वह मुड़ जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। भी ये जैसे क्षेत्रपाल वगैरह निकालते हैं वैदिक रीति रिवाज के अनुसार से, पूजा पाठ में जब हम लोग क्षेत्रपाल निकालते हैं, मतलब कि जब कोई भी टोटका करते हैं तो हर लोग कहते हैं कि पीछे मत देखना। इसका मतलब ये होता है कि पीछे देखने का मतलब कि डर लगना, या जो हम दुर्गुण शक्ति को फिर छोड़ के आए हैं शायद वो मेरे निगाह में अपना निगाह न डाल सके, इसलिए हम उसे एक टोटका बताएगा कि न हम देखेंगे न मेरे साथ तुम आएगा। हमें किसी को तभी हमारे साथ कोई आता है जब हम उनको देखते हैं, वो हमको देखते हैं।